जय श्री राम दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूँ अपने चैनल अजनबी मुसाफिर में आप सभी का। आज मैं लगता है कि पूरी प्लानिंग लेके आया हूँ आपके सामने, रूट प्लानिंग दिल्ली टू दिल्ली। तो एक्चुअली लद्दाख में एंट्री के दो रास्ते हैं, एक है मनाली से, दूसरा है जम्मू से। हम जम्मू से आपको स्टार्ट करके बताऊंगा। जम्मू से अगर आप एंट्री करते हैं तो इसमें जो मेजर माउंटेन पासेस है वो कम आते हैं, तो इस कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे हाई होता है, जिस कारण माउंटेन रिचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों को नहीं होगी। मैं इसमें आपके जो जो खर्चे रहने के खाने के वो सब भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, पेट्रोल की कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अपना डे वन है जो वो दिल्ली से जम्मू जाएंगे हम। अब आपको एक चीज़ याद रखना, आप जहाँ भी स्टे करें, जहाँ भी रुके, वहाँ से सुबह 6 से 7 के बीच में आप निकल जाइएगा और रात में आपको 6:30 से 7 पर अपनी जो राइड है वो एंड कर देनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मत चलिएगा। अब दिल्ली से जम्मू का जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है और ये एक दिन में कवर हो जाता है। आपको पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लुधियाना, पठानकोट होते हुए जम्मू जाना है, ठीक है। जम्मू में स्टे के लिए आप माँ वैष्णो देवी के डॉर्मेट्री उसमें रुकिएगा, बहुत सस्ता है, 100 रुपये या 150 रुपये में बेड है, 100 रुपये में नॉन एसी, 150 में एसी। मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से बुकिंग का। पेट्रोल सब दूर है इस पे हाईवे। अब डे टू पहलगाँव जाइएगा भाई, बहुत सुंदर जगह। पहलगाँव नहीं जाना चाहते आप तो डायरेक्ट श्रीनगर जाइएगा, पर मैं पहलगाँव सजेस्ट करूँगा, मैं भी गया था, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया मतलब। तो इस रूट पर पेट्रोल है, पहलगाँव में आपको जो रूम है 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, इससे महंगा नहीं है। तो आप एक दिन पहुंच जाएगा, रात में घूमेगा, अगले दिन सुबह 12 बजे तक घूमेगा। 12 बजे पहलगाँव से आप निकलेगा, जम्मू से पहलगाँव जो है 235 है, 12 बजे अगले दिन निकलेगा। डे 3 में तो आप श्रीनगर चल जाएगा, श्रीनगर में आप डल लेक में रुकेगा रात। तो डल लेक का जो किराया 1000 से 800 रुपये समथिंग है। श्रीनगर में आपको खाने का जो है मैंने एक ढाबे का एड्रेस दूंगा, वहाँ पर खाइएगा, वेजिटेरियन बहुत अच्छा खाना। ये 95 किलोमीटर है पहलगाँव से श्रीनगर। आप अपन श्रीनगर में आप पेट्रोल डलवा लीजिएगा, एक्चुअली गाड़ी फुल करवा लीजिएगा आपकी। उसके बाद आपको श्रीनगर से कारगिल के लिए निकलना है। ये डिस्टेंस जो है ये 200 किलोमीटर के समथिंग है कारगिल। और कारगिल जाते हैं तो आप बीच में आपको जोजिला पास आता है, जो कि मुझे सबसे खतरनाक पास लगा है अब तक का, ठीक है। तो ये पास बीच में आएगा आपको, और उसके बाद कारगिल वार मेमोरी आएगी, द्रास आएगा। उसके बाद आप कारगिल में रात रुकिएगा, कारगिल में भी 800 से 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा और अपना डे 4 जो है ख़त्म हो जाएगा। अब डे फाइव में आपको जाना है भाई कारगिल टू लेह। ये डिस्टेंस जो है ये 200 किलोमीटर का है और कारगिल के पहले ही आप द्रास के थोड़ा सा पहले पेट्रोल पम्प में, यहाँ भी पेट्रोल फुल करा के आप लेह चल जाइएगा। अब लेह के पहले ही थोड़ा पहले संगम आता है, आप संगम पर रुकिएगा, पत्थर साहब गुरुद्वारा है वहाँ रुकिएगा, वहाँ का लंगर बहुत स्वादिष्ट है, तो एक बार खाइएगा आप। सुबह से रात तक लंगर चलता है ये, और इसकी स्टोरी भी पढ़िएगा पत्थर साहब गुरुद्वारा की, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपका ये डे 5 यहाँ एंड हो जाएगा। उसके बाद डे 6 में आपको लेह की जो लोकल सिटी है वही विजिट करना है। यहाँ ले पहले से शांति पहले से लोकल मार्केट है ले का, वो आपकी गाड़ी में कुछ काम कराना तो यहाँ सब मैकेनिक अवेलेबल है, यहाँ करवाइएगा आप, और यहीं से पेट्रोल आप फुल करवा लीजिएगा लेह से, ठीक है। लेह से आप गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लीजिएगा। और डे 7 आपको जाना है भाई यहाँ से डायरेक्ट अपना हंडर, पहले खारदुंगला आएगा, खारदुंगला के बाद हंडर आएगा। तो लेह से जो अंडर की डिस्टेंस 125 किलोमीटर, बीच में खारदुंगला पास है, खारदुंगला पास फेमस है लद्दाख, इसीलिए जाते हैं लोग यहाँ फ़ोटो लेने के लिए। तो जो अंडर है, अंडर की डिस्टेंस लेह से 125 किलोमीटर है। पेट्रोल पंप जो है लेह में, लेह के बाद डायरेक्ट आपको डिस्किट में मिलेगा पेट्रोल पंप, इसके अलावा रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। और अंडर में जो है वाइट रेगिस्तान है फुल, और यहाँ 2 गुम्बद वाले ऊँट देखने को मिलेंगे जो कि वर्ल्ड में सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। और 100 से 5 किलोमीटर पहले डिस्किट है, आप रुकने का स्टे का आप डिस्किट या फिर 100 में रुक सकते हैं, 800 से 1200-1500 रुपये में आपको रूम मिलेगा, जहाँ सस्ता मिले वहाँ रुकिएगा आप, ठीक है। 5 किलोमीटर स्टे जो डिस्किट है, यहाँ मोनेस्ट्री है एक्चुअली, ये लद्दाख की सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। अगले दिन आपको निकलना है डिस्किट से पेंगोंग लेक, स्पिन मीक डालिएगा। तो डिस्किट में आप पेट्रोल ले लीजिएगा और आपको 5 से 10 लीटर यहाँ से लेके रखना पड़ेगा, इसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है करीब 400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो पेट्रोल ले लीजिएगा यहाँ, 1-2 घंटे आप इंजॉय करिएगा पेंगोंग लेक में। उसके बाद मेरा मानना है यहाँ रुकना उचित नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ से एक्चुअली करू आ जाइएगा। तो डिस्किट से जो
अपन इस पेंगोंग आए थे, ये दूरी थी 200 किलोमीटर के समथिंग, 180 किलोमीटर। इसके बाद पेंगोंग से आप करू जाएंगे, तो करू की जो डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर है। तो रात आप करू ही रुकेगा, तो करू जो है, करू आप आएंगे तो करू जो आपको है कुल मिला के, करू यहाँ से पड़ेगा आपको 125 किलोमीटर समथिंग पेंगोंग लेक से। और करू में पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पेट्रोल भरवाइएगा, उसके बाद ही आप आगे निकलेगा, ठीक है। करू रात रुकेगा, अगले दिन सुबह सुबह जल्दी मनाली के लिए निकलेगा। करू से मनाली का डिस्टेंस जो है वो भाई 400 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है एक दिन में, तो आप करू से कोशिश कीजिएगा जल्दी निकलिएगा। करू के बाद मनाली के थोड़ा सा पहले पेट्रोल पंप, मतलब करू में पेट्रोल फुल करवा लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। और अगले दिन आप मनाली में रुकिएगा, मनाली में रात रुकना के आप अगले दिन दिल्ली के लिए निकल, मनाली में 800-1000 रुपये में रूम मिल जाते हैं। और अगले दिन फिर आप दिल्ली के लिए निकल लिया, तो मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली, हाईवे पेट्रोल पंप अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो भाई ये ट्रिप जो आपका 10 से 12 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप एक दो दिन ज़्यादा कर, 10 दिन का है वैसे, जैसे आप एक दो दिन ज़्यादा लेके चलेगी, जैसे आप श्रीनगर में एक दिन ज़्यादा रुकना चाहे, ठीक है, तो आप एक दिन ज़्यादा लेके चलिएगा, तो 10 से 12 दिन। आप पेंगोंग में एक दिन रुक रहे हैं, पेंगोंग में रुकना तो रुक सकते हैं आप, तो ये करीब 12 दिन का लेके चलिए, 12 से 15 दिन, ठीक है, मेरे हिसाब से 10-11 दिन 12 दिन मैक्सिमम। तो इसके अलावा जो खर्चा है भाई इस पूरे ट्रिप में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको फूड है हर जगह, आप अपने साथ भी कुछ खाने का ले जाएंगे तो एक टाइम तो वो रहेगा, उसके अलावा खाना भी खाना चाहे तो ज़्यादा महंगा नहीं है, तो 3 से 4 हज़ार रुपये समथिंग में फूड का हो जाएगा आपका। स्टे का जो है, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो ये मान के चलिए ये खर्चा आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ना है, क्योंकि आजकल लद्दाख बहुत महंगा हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, हनीमून डेस्टिनेशन हो गई है, तो इस कारण बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो 6 से 7 हज़ार मान लिया, अगर आप सोलो जाना है, अगर आप 3-4 लोग हैं साथ में तो फिर ये खर्चा बढ़ जाएगा। और पेट्रोल का जो मानिए, मैं मान रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी 25 का एवरेज देती है तो उस हिसाब से आपको 12 से 13 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगना है। 2800 किलोमीटर है तो 12 से 13 हज़ार मैक्सिमम, इतना पेट्रोल तो आपको लग रहा ही है, क्योंकि पेट्रोल का रेट सभी दूर, जम्मू हिमाचल लद्दाख यहाँ ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये के समथिंग है, 95 से 100 के बीच में ही है, ठीक है। उसके अलावा आप परमिट लेंगे लद्दाख का तो 600 रुपये का आएगा, आप कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं वो खर्चे अलग है। तो ये ट्रिप मान के चलिए आप शॉपिंग वगैरह जो भी आपका करते हैं सोलो के हिसाब से, तो ये ट्रिप आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का बैठेगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।